स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। सो आज हम क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट मेकिंग करने जा रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी सर की एक नोट मेकिंग पर एक वीडियो बनाइए। सो आज मैं आपको नोट मेकिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जैसे इसके नाम से पता लगता है कि हमारे सामने एक पैराग्राफ होता है तो उसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोट्स कहते हैं। इन आप इन्हें की पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। अगर हम कोई पैराग्राफ रीड करते हैं, सपोज करो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आपको एक पैराग्राफ, इंग्लिश का पैराग्राफ आपके सामने है और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, दिस इज कॉल्ड नोट मेकिंग। सो ये 11th और 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 8 नंबर का ये एग्जाम में आता है और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे जैसे आप बच्चे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीनियर क्लासेस में बहुत काम आएगी, क्योंकि उसमें काफी लेंथी क्वेश्चन होते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 पेज के क्वेश्चन होते हैं। सो इन क्वेश्चन को एज इट इज लिखना बहुत ही इम्पॉसिबल, लगभग असंभव सही होता है। वो तो जिस बच्चे की क्रैमिंग बहुत अच्छी हो वो कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें कुछ नोट्स बना लेते हैं, उस पॉइंट्स की हेल्प से वो क्वेश्चन को एलाबरेट कर लेते हैं। सो आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताया कि सीनियर क्लासेस में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आइए शुरू करते हैं नोट मेकिंग। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन नोट मेकिंग? सो नोट मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको सबसे पहले नोट मेकिंग में पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक हेडिंग बनाना है और उस हेडिंग के नीचे उसके कुछ और पॉइंट्स निकालने हैं, जिसे हम सब हेडिंग कहते हैं। तो फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट हेडिंग। सो इसे आप 4 या 5 वर्ड्स में लिखेंगे और उसके नीचे 3-3 या 4-4 लाइनों में सब हेडिंग, लाइनें नहीं कह सकते इसको, 4-5 वर्ड्स, इससे ज्यादा इसकी लेंथ नहीं होती। सो अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद नंबर 3 पर आपको कुछ की वर्ड्स निकालने हैं जिसको आप मेन वर्ड भी कहते हैं, और उनको हम एब्रीवेट करते हैं। एब्रीवेट का मीनिंग होता है शॉर्ट फॉर्म लिखना। सपोज करो आपके पास इंडस्ट्रीज वर्ड है, यहाँ स्लाइड में मैंने डाला है, इंडस्ट्री वर्ड को मैंने लिखा है INDS. सो INDS. इंडस्ट्री क्या बन गया? इंडस्ट्रीज कंप्लीट वर्ड है और इंडस इसका एब्रीवेशन फॉर्म है। या कंपटीशन को हम COMP लिख देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एब्रीवेशन फॉर्म है। अब इसके पास और इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, आपको इस पैराग्राफ का टाइटल या एक मेन हेडिंग आपको निकालना होगा, तो वो काम करेंगे। बट इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस स्लाइड को। पहले हेडिंग, हेडिंग के बाद सब हेडिंग, फिर कुछ की वर्ड्स निकाल लेंगे, उसको एब्रीवेशन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसका टाइटल आएगा। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको ट्रैक से बाहर नहीं जाना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विद एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल्स की हेल्प से बहुत अच्छा समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, आप एग्जांपल से शुरू करते हो, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए मैंने इसमें एग्जांपल्स भी रखा है जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। स्लाइड पे आप देखिए, हाउ यू कैन बेस्ट इंप्रूव Your English depend on where you and particularly on whether or not you live in English speaking community. If you hear English spoken every day and mix freely with English speaking people, that is on the whole own advantage. On the other hand, it is often confusing to have the whole language poured on you at once idly. A step-by-step course should accompany or lead up to this experience. It will also help a great deal if you can easily get the sort of English books in which you are interested. So, ये पहला आपने पढ़ा और इसमें से कुछ नोट्स निकाले। इसका हेडिंग तो बिल्कुल समझ आ रहा है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इसका हेडिंग क्या बनेगा, वेज ऑफ इम्प्रूविंग इंग्लिश।
अब इसके आपने को 3 या 4 सब हेडिंग बनाने हैं, सो मैंने बनाया आपकी हेल्प के लिए। सो नंबर 1 हेडिंग सब हेडिंग बनाया, सॉरी, लिविंग इन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। सेकंड क्या है, हैविंग अ स्टेप बाय स्टेप कोर्स। और थर्ड है रीडिंग गुड इंटरेस्टेड बुक्स। सो इसमें कुछ एब्रिविएशन फॉर्म भी यूज किया है, इंग्लिश को जैसे ENG लिखा है, स्पीकिंग को SPK लिखा है। सो ये आपको पढ़ने से समझ आ जाएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो ये इस हेडिंग, इस पैराग्राफ में से ये कुछ हेडिंग और सब हेडिंग निकाले। सो नेक्स्ट मूव टू द सेकंड पैराग्राफ। टू रीड अ लॉट इज एसेंशियल, इट इज स्टूपिड नॉट टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट बुक्स और द टेक्स्ट बुक यू हैव चोजन फॉर इंटेंसिव स्टडी। रीड एज मैनी बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन, नॉट एज अ ड्यूटी बट फॉर प्लेजर। Don't choose the most difficult books you find with the idea of listening and learning as many new words as possible. Choose what is likely to interest you and be sure in advance that it is not too hard. You should not have to be constantly looking up new words in the dictionary, for that deadens interest and checks real learning. Look up a word here and there, but as a general policy, try to push ahead guessing what words mean from the context. So इसमें से main heading क्या निकल रहा है कि आपको पढ़ना क्या है, what to read, और sub heading क्या है, books other than exam set books. Second क्या है, books that can give pleasures, और third क्या है, books that are not difficult to follow. So second में से अब हमने heading और sub heading क्या निकाला। So let's move to the third paragraph. Some people say that we can't learn to speak a language better with the help of a book. To believe is to believe that the spoken language and the written language are quite different things. This is not so. There is a very great deal in common between the two. In learning the pattern and vocab of the written form, we are learning to be a considerable extent those of the spoken form too. We are in fact learning the language and not merely one form of the language. So इस पैराग्राफ को पढ़ के आपका हेडिंग क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन स्पीकिंग एंड रीडिंग अ लैंग्वेज। सो सब हेडिंग क्या बनेगा, नॉट मच डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। सेकेंड क्या है, सेम पैटर्न सेम वोकैब। थर्ड क्या है, बाय रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स कैन लर्न बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। सो अभी हमने किया कि पैराग्राफ से हेडिंग और सब हेडिंग कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद सेकंड इसमें क्या करना होगा आपको, सो यू विल हैव टू क्रिएट अ टाइटल, एक टाइटल बनाना होगा। सो आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ इट इज अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। द पैराग्राफ टाइटल इज How to improve spoken and written English. हम अपनी स्पीकिंग और राइटिंग इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करते हैं, दिस इज द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। देन इसके बाद कई बार एग्जाम में क्या आता है, समरी ऑफ द पैराग्राफ। सो रिमेंबर दिस, मोस्टली जिस समय समरी बच्चे लिखते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन उठा दी, बीच में 2-3 लाइनें उड़ाकर फिर एक लाइन लिख ली। बट रिमेंबर हेयर You will have to create summary in note making in your own language. जितनी easy language आप लिख सकते हैं, there is no problem. But you will have to create the summary in your own words. अपने words में आपको summary create करनी है. So मैंने इसमें summary भी की है. So summary of the passage क्या है? Living in an English speaking community can be helpful in learning and improving English language, but only this much is not sufficient. A step-by-step course is also necessary along with it. Also, a lot of reading. Other than the examination set books should be done. Difficult books for which a dictionary has to be consulted frequently shouldn't be chosen for reading. Only easy books that can maintain the reader interest should be chosen. This sort of extensive reading can improve both our written and spoken English, since the vocab and sentence pattern are common in both the cases. So you will have to create the summary in this way. You will have to write the summary in your words. So अब एक important point और रहता है note making में जो आता है,
पहले हमने क्या किया, हैडिंग, सब हैडिंग, उसके बाद टाइटल किया, उसके बाद हमने समरी की. नाउ यू विल हैव टू क्रिएट अ बॉक्स इन द शीट और टेस्ट वेयर यू आर मेकिंग द नोट्स. जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको एक बॉक्स बनाना होगा जिसमें आपने एब्रीविएशन जो इस पैराग्राफ में यूज की थी सपोज वो आपको इस बॉक्स के अंदर लिखनी है. जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको बता रहा हूँ स्लाइड में एब्रीविएशन जो जो यूज की थी. इंग्लिश को हमने ई एन जी लिखा था, स्पीकिंग को एस पी के आई एन जी, कम्युनिटी को सी ओ एम टी वाई, इंटरेस्टिंग को आई एन टी एस टी और प्लेजर को पी एल एस आर, लैंग्वेज एल ए एन जी, फेमिलिटी को एफ एम एल टी वाई, डिक्शनरी को डी आई सी टी और वोकैबली को वोकैब हमने लिखा था जो यूज किए थे हमने हेडिंग और सब हेडिंग में. सो एक सेपरेट बॉक्स के अंदर आपको यू विल हैव टू एब्रीविएशन जो भी फॉर्म आपने यूज की है वो आपको एक बॉक्स में लिखनी है. सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्नर्स, सो दिस वाज द वे ऑफ मेकिंग नोट्स. आपको नोट मेकिंग इसी तरीके से बनाना है और कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट में जरूर लिखें. एंड आई होप सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द टॉपिक ऑफ नोट मेकिंग. मैं एक बार फिर से आपकी फैसिलिटी के लिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको हैडिंग, सब हैडिंग, देन यू विल हैव टू क्रिएट टाइटल एंड देन समरी और उसके बाद एब्रीविएशन का एक बॉक्स बनाना है. बट रिमेम्बर वन थिंग, इसमें आपको सबसे जो जरूरी चीज है, प्लीज 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 रिपीटेशन जरूरी है. ये नहीं कि मैंने समझाया और आपको एक दो टॉपिक करने के बाद आ जाएगा. जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के साथ अच्छी नहीं होगी तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप रोज एक पैराग्राफ जरूर करके देखें नोट मेकिंग का और उसके बाद धीरे धीरे इसके साथ अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी. और इसमें मजे वाली क्या बात है कि आपकी रीडिंग के साथ जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही बढ़िया तरीके से आपको नोट मेकिंग आएगा. सो आई होप सो फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, फॉर योर गुड मार्क्स एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल. प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.